आईपीएल 2020 के मैचेस शानदार जबरदस्त चल रहे हैं। लास्ट मैच जो कि राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, एक नंबर मैच हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था सेम एज इट इज मैच वैसा ही हुआ, और जहां पर मैंने आपसे बोल दिया था राजस्थान लगभग अगर फर्स्ट बैट पे आती है तो 182 के आसपास स्कोर करेगी, और वही सेम एज इट इज हुआ और राजस्थान मैच को जीता भी। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल वर्सेस हैदराबाद के बीच जो मैच खेला जाएगा 22 सितंबर को 7:30 PM पर दुबई के ग्राउंड पे। आप इसे लाइव देख सकते हो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं टीम न्यूज और इंजरी के बारे में। टीम न्यूज की बात करी जाए तो दिल्ली कैपिटल से जो ओवरसीज प्लेयर होंगे वो मार्कस टोनिस, हेटमायर, नॉटेज और रवाड़ा खेल सकते हैं। वहीं बात करें हैदराबाद की तो वार्नर, केन विलियमसन, राशिद खान, जेसन होल्डर का 50-50% है, लेकिन ये चार ओवरसीज प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करी जाए तो पृथ्वी शॉ के साथ में शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो दिल्ली को काफी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं तो वो भी खेलेंगे। हेटमायर, मार्कस टोनिस, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र चंद अश्विन, उमेश यादव या फिर अवेश खान में से कोई एक खेलेगा। अवेश खान एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने आईपीएल 2021 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट ली है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है खेलने की। उसके बाद नॉटेज और रवाड़ा। वहीं बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। डेविड वार्नर के साथ में रिद्धिमान शाह ओपनिंग करेंगे। जॉनी बेयरस्टो अवेलेबल है नहीं तो उनकी जगह पर रिद्धिमान शाह उनके साथ ओपनिंग करेंगे। उसके बाद केन विलियमसन, मनीष पांडे, जेसन होल्डर या फिर रदरफोर्ड या फिर मोहम्मद नबी, ये तीन ऑप्शन है हैदराबाद के पास, लेकिन ज्यादा चांसेस जेसन होल्डर खेलते हुए नजर आए। उसके बाद अब्दुल समद, केदार जाधव, अभिषेक शर्मा और विजय शंकर, इनमें से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप और खलील अहमद में से कोई एक खेलेगा। संदीप को खिलाना चाहिए क्योंकि संदीप का जो रिकॉर्ड है दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर प्लेयर के बारे में। एक्स फैक्टर प्लेयर की बात करी जाए दिल्ली कैपिटल की तरफ से तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, नॉटेज और आवेश खान। बात करते हैं इनके स्टैट्स के बारे में। पृथ्वी शॉ की बात करी जाए तो लास्ट मैच में 39, 82, 21, 53 और 7 रन स्कोर किया है। वहीं धवन की बात करें तो 69, 46, 6 रन, 28 और 45 स्कोर किया है, यानी काफी अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल को। वहीं बात करें नॉटेज और आवेश खान की तो इन्होंने नॉटेज ने लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले 0, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। आवेश खान लास्ट मैच में 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट, यानी हर मैच में आवेश खान विकेट लेते हैं दिल्ली कैपिटल को। अब बात करते हैं भाई दूसरी टीम जो कि सनराइजर हैदराबाद है। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन, डेविड वार्नर, भुवनेश्वर कुमार और राशिद खान। इसके स्टैट्स की बात करें तो केन विलियमसन जिन्होंने लास्ट मैचेस में 20, 26, 66, 16 और 67 स्कोर किया है। डेविड वार्नर 57, 6 रन, 37, 36 और 54। भुवनेश्वर कुमार लास्ट मैचेस में 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। राशिद खान 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। यानी ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो दिल्ली के अगेंस्ट काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। राशिद खान हर मैच में विकेट निकाल कर देते हैं हैदराबाद को। वहीं बात करें दोनों ही टीमों में जैकपॉट प्लेयर की। जैकपॉट प्लेयर हैदराबाद की तरफ से राशिद खान, जो बॉलिंग में तो अच्छा प्रदर्शन देते ही है लेकिन बैटिंग में अगर एंड में 10 बॉले है 30 रन चाहिए तो वहां पर भी बड़ी बड़ी हिट लगाकर गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। वही बात करें दिल्ली कैपिटल की तरफ से तो मार्कस टोनिस एक ऐसे प्लेयर है जो बैटिंग की दम पे गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इनके स्टैट्स की बात करी जाए तो मार्कस टोनिस ने 5 मैचेस में 56 स्कोर किया है, 127 के स्ट्राइक रेट से और साथ में 3 विकेट भी लिए हैं। वहीं राशिद खान की बात करी जाए तो 11 मैचेस में 11 विकेट लिए है, 110 का स्ट्राइक रेट है और 14 विकेट लिए है। अब बात करते हैं हेड टू हेड प्लेयर की बैटल के बारे में। तो दोस्तों वार्नर वर्सेस अश्विन और श्रेयस अय्यर वर्सेस भुवनेश्वर कुमार, ये बैटल आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इनके स्टैट्स की बात करी जाए वार्नर के सामने जब अश्विन होते हैं तो वहां पर अश्विन ने 86 बॉले कराई है वार्नर को, जिसमें 95 स्कोर किया है वार्नर ने, 3 बार आउट हो चुके हैं और 110 का स्ट्राइक रेट रहता है। वही बात करें श्रेयस अय्यर वर्सेज भुवनेश्वर कुमार की तो भुवनेश्वर कुमार ने श्रेयस अय्यर को 42 बॉले कराई है जिसमें मात्र 38 स्कोर किया है श्रेयस अय्यर ने और 3 बार आउट भी हुए हैं। तो श्रेयस अय्यर के सामने भुवनेश्वर कुमार का पड़ला थोड़ा भारी रहता है। अब बात करते हैं यहां पर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। हेड टू हेड की बात करी जाए दोनों ही टीमों ने 19 मैचेस खेले हैं जिसमें से हैदराबाद ने 11 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल ने 8 मैच जीते हैं। यहां पर हैदराबाद थोड़ा आगे है, फर्स्ट बैट पे 9 मैच जीते हैं और सेकंड बैट पे 10 मैच जीते हैं। दिल्ली कैपिटल ने लास्ट के 5 मैचेस में लीड ले रखी है 3-2 से। अब बात करी जाए
टोटल इन 19 मैचेस में से दिल्ली कैपिटल जब फर्स्ट बैट पे आई तो 4 मैच विन किए, सेकंड बैट पे 4 मैच विन किए, हैदराबाद फर्स्ट बैट पे 5 मैच विन किए और सेकंड बैट पे 6 मैच विन किए। दिल्ली कैपिटल जब फर्स्ट बैट पे आती है तो उनका एवरेज स्कोर 148, सेकंड बैट पे 161। हैदराबाद जब फर्स्ट बैट पे आती है तो एवरेज स्कोर 174 और सेकंड बैट का एवरेज स्कोर 133। इन आंकड़ों को देखा जाए तो जब हैदराबाद फर्स्ट बैट पे होती है तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और एक बड़ा टारगेट देती है दिल्ली कैपिटल को। वही बात करते हैं दिल्ली कैपिटल जब सेकंड बैट पे आती है तो वो टारगेट को चेस कर लेती है, लगभग उनका एवरेज स्कोर 160 के आसपास रहता है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट और ग्राउंड के स्टैट्स के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो दुबई का ग्राउंड है, काफी हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी पिच है, बॉलर को पावर प्ले में काफी ज्यादा मदद मिलती है। यहां पर जो मोर एडवांटेजेस है वो बैटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। यहां पर जो विकेट मिलती है वो 70% विकेट फास्ट बॉलर और मीडियम बॉलर को मिलती है और यहां का जो एवरेज स्कोर है 170 है फर्स्ट बैट का। ये जो ग्राफ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं क्योंकि यही ग्राफ होता है जो आपको बताएगा कि किस प्लेयर को कितने विकेट मिलेंगे, कौन प्लेयर कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है बॉलर में। तो यहां पर बात करें चाइना मैन तो जो कि लगभग अपने 4 ओवर के स्पेल में 20 रन खर्च करते हैं, वहीं लेग ब्रेक फास्ट बॉलर और मीडियम बॉलर 20-30 रन अपने 4 ओवर के स्पेल में खर्च करते हैं और जो ऑर्थोडॉक्स और ऑफ ब्रेक बॉलर होते हैं वो महंगे साबित होते हैं, लगभग 40 रन के ज्यादा खर्च करते हैं अपने 4 ओवर के स्पेल में। तो अगर आप ड्रीम 11 जैसी कोई भी साइड प्ले कर रहे हो तो इस ग्राफ को नोटिस करना और उसी हिसाब से प्लेयर अपने पिक करना बॉलिंग में। अब बात करते हैं आईपीएल 2021 में टोटल 2 मैचेस में फास्ट बॉलर ने 23 विकेट लिए और मात्र 2 विकेट मिली है स्पिन बॉलर को। तो देखिएगा आप यहां पर फास्ट बॉलर के लिए कितनी ज्यादा मदद है पिच में। वहीं बात करें दुबई के इस ग्राउंड में टोटल 35 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 15 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 20 मैच जीते हैं और एवरेज स्कोर 170 का है। अब बात करी जाए टोटल जितनी भी लीगें हुई है, जितने भी मैचेस हुए यहां पर उनकी, तो 94 मैचेस में से फर्स्ट बैट ने 39 मैच जीते हैं, सेकंड बैट ने 54 मैच जीते हैं, एवरेज स्कोर 155 का है। हाईएस्ट यहां पर रहा है 219 2 विकेट पर और लोवेस्ट यहां पर रहा है लाहौर का 59 पे ऑल आउट। अब बात करी जाए स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो दोस्तों बिलो स्कोर 150 33 टाइम, 150-169 29 टाइम, 170-189 22 टाइम और अबव स्कोर 190 10 टाइम। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में, उससे पहले कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करें जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती है तो उनके स्टैट्स को थोड़े अच्छे होते हैं। पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद के बैट्समैन डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मनीष पांडे और रिद्धिमान साहा। डेविड वार्नर जिन्होंने 14 मैच में 448 स्कोर किया है, 37 का एवरेज होता है। केन विलियमसन जिनका एवरेज 67 का है जो काफी ज्यादा अच्छा है, 11 मैचेस में 471 स्कोर किया है। मनीष पांडे 16 मैच में 440 स्कोर किया है, 40 का एवरेज है। रिद्धिमान साहा 13 मैचेस में 238 स्कोर किया और एवरेज स्कोर 26 का है। ये जो ऊपर के 3 प्लेयर थे इनका एवरेज स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है दिल्ली कैपिटल के लिए, तो ये 3 प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप और राशिद खान, इनके स्टैट्स की बात करी जाए, भुवनेश्वर कुमार 16 मैचेस में 13 विकेट लिए है, नटराजन 4 मैच में 3 विकेट लिए है, संदीप 14 मैच में 18 विकेट लिए है। जब भी संदीप दिल्ली के अगेंस्ट खेलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं राशिद खान की बात करी जाए तो 11 मैचेस में 14 विकेट लिए है। अब बात करी जाए दूसरी टीम जो कि दिल्ली कैपिटल है, इनके जो बैट्समैन है उनका एवरेज कुछ ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। एक ऋषभ पंत है जो कि अच्छा है। वहीं बात करते हैं पृथ्वी शॉ 7 मैचेस में 200 स्कोर किया है, एवरेज स्कोर 28 का है। शिखर धवन 7 मैचेस में 176 स्कोर किया है, 25 का एवरेज है। वहीं ऋषभ पंत जिनका एवरेज 43 का है, 13 मैचेस में 431 स्कोर किया है। श्रेयस अय्यर 12 मैचेस में 331 स्कोर किया है, एवरेज स्कोर 30 का है। अब बात करते हैं इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, रबाड़ा और आवेश खान। आवेश खान ने आईपीएल 2021 में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट लेने में, इनके स्टैट्स की बात करी जाए तो 2 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं, रबाड़ा ने 7 मैच में 11 विकेट लिए हैं, अश्विन 14 मैच में 9 विकेट लिए हैं और अक्षर पटेल 15 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में। अगर आप ड्रीम 11 जैसी कोई भी साइड प्ले करते हो ये प्लेइंग 11 आपके लिए परफेक्ट प्लेइंग 11 साबित हो सकती है। बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में तो विकेट कीपर में आपके पास 2 चॉइस है, रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत, मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा। वहीं बैट्समैन में डेविड वार्नर,
केन विलियमसन, शेष अय्यर, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ की जगह पर आप शिखर धवन को भी पिक कर सकते हो, क्योंकि हैदराबाद के पास भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग बॉलर है जो कि स्टार्टिंग में दिल्ली का एक विकेट तो निकाल ही देंगे। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर में, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोनिस, भुवनेश्वर कुमार, रबाडा, राशिद खान और नॉटिस। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो अगर हैदराबाद फर्स्ट बैट पे होती है तो डेविड वार्नर और राशिद खान आपके लिए बेस्ट पिक है। और बात करते हैं अगर दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैट पे होती है तो आप लोगों के लिए केन विलियमसन, ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ये सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। बात करते हैं सेकंड टीम के बारे में, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, केन विलियमसन, श्रेयस अय्यर, हेटमायर। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर में, जेसन होल्डर और अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान और नॉटिस, ये आपके लिए प्लेइंग 11 में सबसे अच्छे प्लेयर साबित होंगे। अब बात करते हैं हमारी प्रिडिक्शन के बाद, तो दोस्तों प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल के जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अगर दिल्ली कैपिटल फर्स्ट बैट पे होती है तो 168 से 174 के आसपास स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। अगर हैदराबाद फर्स्ट बैट पे होती है तो 158 से 168 स्कोर कर सकती है। लेकिन परफेक्ट मैच प्रिडिक्शन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।